एंड लॉ के इस दो रोज दो दिवसीय वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की तरफ से, कालरा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की तरफ से, झारखंड के विभिन्न जिलों और विभिन्न जगहों से आए हुए तमाम साथियों का और अधिवक्ताओं का और जो स्टूडेंट्स हैं उनका, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क पिछले कई वर्षों से, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि पिछले कई दशकों से मानवाधिकार के क्षेत्र में और लिटिगेशन के फील्ड में, खासतौर पर क्रिमिनल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर काम करती आ रही है। और आज जिस वर्कशॉप में हम बैठे हैं और ये जो दो दिन का वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप को, इस कंसल्टेशन को करने के पीछे एक खास मकसद है। और वो मकसद बुनियादी तौर पर दो चीजें हमारे सामने हैं जिसको लेकर के हम आज इस दो दिन के वर्कशॉप को कर रहे हैं। एक मकसद तो ये है, झारखंड में जो मानवाधिकार का जिस तरह से हनन हो रहा है और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उस पर मुझे कोई बात कहने की जरूरत है। आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन स्थिति से वाकिफ होने के बावजूद इस चीज की जरूरत हमेशा महसूस हुई है कि अधिवक्ताओं का और जो मानवाधिकार कर्मी है, जो मानवाधिकार, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, उनका कोई एक ऐसा नेटवर्क बने और कमिटेड लोगों का एक ऐसा नेटवर्क बने जिसकी वजह से जिस तरह की ज्यादतियां और जिस तरह का वायलेशन यहां हो रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर के, बेसिक राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, डेमोक्रेटिक राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर के, चाहे वो विस्थापन का सवाल हो, चाहे पुलिस की तरफ से जो ब्रुटैलिटीज हो रही है उसका सवाल हो, चाहे फूड सिक्योरिटी का सवाल हो, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर के एडवोकेट्स का, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का और जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनका एक नेटवर्क बन सके ताकि ये यहां जो सूरत हाल है उस सूरत हाल से और जो स्थिति है उससे उभरा जा सके। और हम जो एक सपना देखते हैं और जिस सपने को लेकर के झारखंड बना था उसकी तरफ हम गामजन हो सके, उसकी तरफ बढ़ सके, ये एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टू डेज कंसल्टेशन विच वी आर स्टार्टिंग नाउ। जो दूसरा मकसद है हमारे इस वक्त दो दिन के कार्यशाला का, इस कंसल्टेशन का, वो दूसरा मकसद ये है कि हम सब जानते हैं जिस तरह से झारखंड जिस तरह से मिनरल रिच है और जहां यहां जितने खनिज हैं और जिस तरह से कंपनी और सरकार और जिस तरह से लूटने और लूट खसोट का काम कर रही है, तो ये जो हालात है और इसमें विरोध भी हुआ है, विस्थापन का भी विरोध हुआ है, माइनिंग का भी विरोध हुआ है, तो उसकी वजह से जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और जो विस्थापन का विरोध कर रहे हैं या पुलिस की ज्यादतियों का विरोध कर रहे हैं या इस तरह के जो जिन चीजों को अपोज कर रहे हैं उन पर अटैक और उन पर जो हमले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग जो दूसरों को डिफेंड करते थे, जो ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, अब खुद अटैक, उन पर अटैक हो रहा है। तो जो दूसरों को हमले से बचाते थे, यानी जो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के का हनन हो रहा था उससे लोगों को, आम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद अंडर अटैक है। तो ये सवाल भी, और हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में जिस तरह से लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लगातार निशाना बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा और जो सरकार की दूसरी ताकतें हैं, सरकार दूसरी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए और सरकार की जो जितनी मशीनरी है उसको इस्तेमाल करते हुए। तो हमारा ये जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है आज के दो दिन के वर्कशॉप का, वो ये है कि इसको डॉक्यूमेंट किया जाए
और ये चीजें सामने आए। आम मानवाधिकार उल्लंघन और हनन की बात तो आती रही है, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको, उस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और उस फोकस देकर के काम नहीं हुआ है। तो हम इस वर्कशॉप के जरिए हम ये भी चाहते हैं कि वो चीजें भी सामने आए, ताकि लोग आगे चल करके मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ और हनन के खिलाफ आवाज उठाने से ना डरे। क्योंकि स्टेट ये चाहती है कि अगर हम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को, और जब हम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की बात करते हैं, जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, तो इसमें सिर्फ मानवाधिकार कार्यकर्ता नहीं आते हैं, बल्कि इसमें वो लोग जो लॉयर हैं वो भी आते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं वो भी आते हैं, जो महिला अधिकार के मुद्दों पर काम कर रहे हैं वो भी हैं, जो विस्थापन के सवाल पर काम कर रहे हैं, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या डेमोक्रेटिक राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से आगे बढ़कर मैं कहना चाहूंगा उसको अपहोल्ड करने की और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन पर अटैक हो रहा है, वो सारे लोग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं। तो ये दो दिन का की कार्यशाला इसी ऑब्जेक्टिव, इसी मकसद के तहत रखा गया है। आप सभी साथियों के पास ये जो दो दिन का कार्यक्रम है वो होगा, ये जो कार्यक्रम है लगभग ऐसा ही कार्यक्रम होगा, कुछ चीजें, कुछ स्पीकर्स आगे पीछे कुछ चीजें हो सकती हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और हम इसके लिए भी माफी चाहते हैं कि हम प्रोग्राम थोड़े देर से शुरू कर पा रहे हैं और नाश्ता भी आपको देर मिला, इसके लिए भी हम माफी चाहते हैं। उम्मीद है कि आगे ऐसी कोई चीज नहीं होगी और आपका सहयोग भी रहेगा। तो हम पहला सेशन शुरू करते हैं, और पहले सेशन का सत्र का जो मुद्दा है वो ये है कि झारखंड के अंदर पुलिस, जिस प्रकार से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जिस तरह से ज्यादतियां कर रही है और जिस तरह से यहाँ चीजें हो रही है, उस पर हमारे कई सारे साथी जो फील्ड में काम करते हैं या डिफरेंट फ्रंट पे काम करते हैं वो अपनी बातें रखेंगे। सत्र को शुरू करने से पहले मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि वो आए। सबसे पहले मैं शशिभूषण पाठक जी, जो कि बड़े मानवाधिकार नेता हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत है, वो मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इधर आ जाए। साथ में के एन पंडित जी से मैं आग्रह करूंगा, विस्थापन पर एक लंबे अरसे से सवाल उठाते रहे हैं, के एन पंडित जी से मैं। इसी के साथ मैं साथी ग्लैडसन डुंगडुंग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। आप जानते हैं झारखंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट से जुड़े हैं और ग्लैडसन हम लोगों के लिए नोन फेस है। इसके साथ ही मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा गोपीनाथ घोष, खास तौर पर जो खनन हो रहा है और जिस तरह की माइनिंग हो रही है और जिस तरह से कंपनी लूट का काम कर रही है उस पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, और बिरसा और माइनिंग उससे जुड़े हुए एमसीसी से। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा विलियम मिंच, जो कि ये खुद पुलिस ब्रुटैलिटीज के और उसके खुद भुक्तभोगी हैं, ये खुद विक्टिम है, तो मैं विलियम से रिक्वेस्ट करूंगा। इसके अलावा डिस्कशन के सेशन में हम ये चाहेंगे कि दामोदर तोरी, जो कि विस्थापन के खिलाफ एक लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं, वो डिस्कशन के सेशन में जब ये पैनल स्पीकर्स बोल लेंगे तो उसमें वो पार्टिसिपेट करें खास तौर पर। तो हम ये सत्र शुरू करते हैं, और वक्ताओं से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि 15 मिनट प्रत्येक वक्ताओं के पास होगा, इस गुस्ताखी के लिए मैं माफी भी चाहूंगा, और जब 15 मिनट हो जाएंगे तो मैं रोकूंगा भी, क्योंकि प्रोग्राम मुझे चलाना है, तो उस हिटलर शाही और तानाशाही के लिए पहले से माफी। केन पंडित जी से हम कि इस सवाल पर कि जिस तरह से पुलिस फोर्सेस यहाँ झारखंड के अंदर जातियां कर रही हैं उस पर अपने।
निकाब जी और इस वर्कशॉप में उपस्थित तमाम विद्वान बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम करने वाले सभी साथियों और भाइयों को मैं सबसे पहले जोहार करता हूँ। साथियों, मानव अधिकारों का उल्लंघन का एक बड़ा लंबा इतिहास है, बड़ा लंबा फिरिस्त है। हम बहुत पीछे नहीं जाना चाहते हैं। ब्रिटिश काल में जब हम लोग गुलाम थे, जब अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश का राज था, तो बड़े व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर यहाँ की जनता के मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया गया और तबाही मचाई गई। मैंने तो उन दिनों का ब्रिटिश काल में जो जुर्म हुए जनता पर उसको कुछ मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। और जब कभी मैं याद करता हूँ ब्रिटिश काल के जुर्म को तो मैं कई मिनट तक सोचते रहता हूँ कि अंग्रेज थे तो ये सब होता था, विदेशी थे, लुटेरे थे, हम उनके गुलाम थे। लेकिन जो चले गए यहाँ से अंग्रेज, उसके बाद सारी ज्यादतियाँ, सारे जुर्म, सारे मानवाधिकारों के उल्लंघन ज्यों के त्यों नहीं है, बल्कि वो आगे भी बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। मुझे कई घटनाएं याद हैं, जब क्विट इंडिया का नारा दिया गया, करो मरो का नारा दिया गया, पूरे देश में रेल लाइनें उखाड़ी गई, पोस्ट ऑफिस में आग लगाई गई, कचहरियों में आग लगाई गई, यानी जनता पूरे व्यापक रूप से देश के पैमाने पर जनता ने विरोध किया, विरोध जताया। और इसी क्रम में काफी लोगों की हत्याएं की, अंग्रेजों ने जेलों में बंद कर दिया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। तो जब हम आजाद हो गए 1947 में तो ऐसा महसूस करते थे, उसमें हमारी उम्र कम थी, लोग कहते थे बुजुर्ग लोग कि अंग्रेज चला गया, एक अच्छा देश बनेगा, अच्छा समाज बनेगा, सबको सुख सुविधाएं मिलेगी, सबकी इज्जत आबरू सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे उल्टा होते गया, धीरे धीरे उल्टा होते गया। और आज जो झारखंड की स्थिति है, खास करके मैं झारखंड के बारे में बात करता हूँ, तो बड़ा भयंकर है, भयानक है। इसकी कल्पना, झारखंड बनने के पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। और झारखंड में अपने ही लोग, मुख्यमंत्री, मंत्री और जो भी हैं, कहने के लिए आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री हैं, दूसरे हैं, मैं सोचता हूँ फिर भी अपने ही लोग हैं, अपने ही लोगों पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ जो मुख्य बिंदु है, मैं समझता हूँ इन अत्याचारों, जुल्म, मानवीय अधिकारों का जो उल्लंघन है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत है साम्राज्यवादी ताकत, साम्राज्यवादी ताकत। और दुनिया के साम्राज्यवादी लोग एक होकर के झारखंड पर हमला कर रहे हैं। उनका निशाना यहाँ का खनिज, माइनिंग, आयरन और बॉक्साइट, इन सारी चीजों पर उनका है। जमीन, यहाँ के सस्ती मजदूर, पानी, जंगल, वो चाहते हैं कि पूरा पर हम कब्जा कर लें, फिर अपना माल बना के दुनिया के बाजार में बेचें और फिर यहाँ से बस बुढ़िया बस्तर बांध के चले जाएं। यही है आज जो सरकार भी है, नाम मात्र की सरकार, तो पंगू सरकार नहीं है, बल्कि जानबूझकर उनके एजेंट के रूप में काम करती है। मैं कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये साम्राज्यवादियों के सेवक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जनता से वोट लेते हैं, काम करते हैं साम्राज्यवादियों का। तो आज जो यहाँ के जल, जंगल, जमीन की जो लूट हो रही है, ये साम्राज्यवादियों का जो गिरोह जमात है वो कर रहा है। 103 इकरारनामे हुए हैं, अगर लागू हो जाएंगे तो लाखों लाख लोग यहाँ से चले जाएंगे।
उनके जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा, उनके इज्जत आबरू बचाने का अधिकार खत्म हो जाएगा, उनके रोजी रोटी पाने का अधिकार खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। और लगभग 1 करोड़ के करीब लोग यहाँ से चले जाएंगे उजड़ कर, बाकी लोग आएंगे तो जो रह जाएंगे उनकी प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। एक टीवी में मैं परसों प्रोग्राम दे रहा था तो उसने पूछा कि आदिवासियों की जो जनसंख्या है क्या और कम होगी क्या ये सबसे, तो हमने कहा देखिए 1960 में आदिवासियों का 50% जनसंख्या थी यहाँ, वो मैं मेरे व्यक्तिगत नॉलेज आंखों से देखी हुई बात है, और अब तो वक्त नीचे आ गई, और 103 अगर वो समझौता लागू हो गया, 78 जो कोल ब्लॉक्स है वो सबके सब लागू हो जाए तो आदिवासियों की संख्या प्रतिशत बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोग 1/3 लोग उजड़ कर चले जाएंगे, और जो बचेंगे उनके बीच में बाहर के लोग इतने इस उद्योगीकरण के चलते आएंगे कि उनका प्रतिशत बहुत ही कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ हम लोग विस्थापन पर काम कर रहे हैं, हमारा संगठन विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के नाम से जाना जाता है, पूरे देश में काम करता है, भारत में मैं उसका संयोजक हूँ। तो झारखंड में हम लोगों ने देखा है कि ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं कि 2000 में जो झारखंड राज्य बना उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ। किस बात का विकास हुआ? जुर्म का, लूट का, प्रताड़ना का, दुष्कर्म का, ये विकास हुआ। यहाँ झारखंड में 70,000 सीआरपीएफ और दूसरे तरह के फोर्स को रखा है सरकार ने, 70,000, पूरे देश में 2.5 लाख फौज उतार दिया है, जिसमें खास करके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल और कई जगहों में 2.5 लाख, और अभी और हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि और भी हम फौज का इंतजाम करेंगे इन इलाकों में। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जनता यहाँ प्रतिरोध के लिए तैयार है कि हम जल जल जंग जमीन नहीं देंगे, हम पर जो अत्याचार हो रहा है उसका मुकाबला करेंगे, और इसीलिए फौज चाहिए कि जनता की आवाज को दबा दिया जाए, इनको आतंकित करके रखा जाए, ताकि साम्राज्यवादियों को, जो साम्राज्यवादी उद्योगपति हैं, उनको जमीन जल जंगल देने में हिचकिचाहट न दिखा सकें। देखिए हम कितना गिनाएंगे आपको, कई घटनाएं यहाँ हुई हैं। एक जसमिंता देवी थी लादी गांव की, लातेहार में, उसको सोई हुई थी घर में, उसको जाके सीआरपीएफ भवन ने गोली मार दी, उसने कुछ नहीं कहा, उसे पूछा भी नहीं कुछ, घर में ढुका उसको गोली मार दी गई। एक और महिला थी, लड़की थी, सीआरपीएफ वालों ने पानी मांगा, वो पानी लेके आई, उसके साथ दुर्व्यवहार, पानी तो पिया नहीं, बहाना था, दुर्व्यवहार करना शुरू किया। एक और लड़की के साथ गैंग रेप किया इन दरिंदों ने, जो पुलिस के वर्दी के रूप में है, 10 साल की लड़की को, करीब 3 साल पहले की बात है, ये 2 सीआरपीएफ को लोग जंगल में लगे और उसके साथ बलात्कार किया। 2 लड़के स्कूल में पढ़ने वाले, 9वां 10वां में पढ़ने वाले, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, सीआरपीएफ वालों ने रोका तो डर गए, एक लड़का उसमें से भागने लगा, उसको गोली मार दी गई। लुकस मिंज का घटना आप लोग सभी जानते हैं, उनके भाई भी आए हैं, एक हमारे लिए अच्छा अवसर है कि उनसे जानेंगे। वो बोल नहीं सकते थे, वो बधिर थे और बोल भी नहीं सकते थे, उनसे सीआरपीएफ बोला ना, कुछ पूछा तो क्या बताते हो, तो बोल नहीं सकते थे, कुछ बोले नहीं, उनको गोली मार दिया। कुछ लोगों से कहा कि हमारा सामान हथियार ढो के चलो, लोगों ने जब इनकार किया तो उनको पिटाई की और मार दिया वहां पर। इस तरह से एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, ये हमारी बहनों माताओं के साथ ये दरिंदे बलात्कार करते हैं, इज्जत लूटते हैं। एक किसान थे, उनके घर में ढुका सीआरपीएफ वाले, 40,000 रुपया उनका लूट लिया, बर्तन वर्तन सब ले गया, बाद में बर्तन तो लौटा दिया, रुपया नहीं लौटाया। एक और किसान के घर में ढुका और 3,500 रुपया लूटा और कुछ बर्तन लौटा दिया, रुपया लेते गए।
इस तरह की अनेक घटनाएं हैं, गिनाने से बहुत समय लग जाएगा। मैं खुद जेल में देखा 2 साल पहले, 2 लड़के आए, मैं हॉस्पिटल में था, जेल के हॉस्पिटल में एक लड़का लंगड़ाते हुए आया। मैंने पूछा क्या हुआ है तुमको, बोला हमने तो कुछ नहीं किया, वो ग्रेजुएट पढ़ा हुआ नया लड़का नौकरी उकरी की तलाश में है। देखिए घर में से हमको बुलाया, बुंडू का रहने वाला था, और उसके बाद में सीआरपीएफ वालों ने मारना शुरू किया, मारते मारते को गिरा दिया, उसके बाद टांग करके ले गया, ले जाके थाना में रखा जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था, उसके बाद जेल भेज दिया। वो लड़के ने बताया कि दूसरे दिन अखबार में देखते हैं कि दौड़ा के कौन पहाड़ी पर हमको पकड़ा गया, कौन पहाड़ी पर पकड़ा, हमारे घर से निकाला और कहता है कौन पहाड़ी पर निकला, अखबार में छपवाया। एक और किसान था जो टमाटर वगैरह पैदा करता है, वो भी था, उसको भी बहुत जोर थी, बोला बुंडू का, बोला देखिए ना मैं टमाटर बेच के सब समेट के जा रहा था, सांझ के समय था, दलाल आया, इशारा कर दिया, दलाल लोग कुछ गांव के रहते हैं, सीआरपीएफ कैंप में उनको सारी सुविधाएं दी जाती है, मोबाइल गाड़ी वगैरह सब ये व्यवस्था है। उसके बाद सीआरपीएफ वालों ने उसे मारना शुरू किया, हाँ ये बड़ा भारी माओवादी है। उसके बाद में उसके पास 1,000 जो बिक्री का था पैसा भी ले लिया, थाना में ले गया। इसने पूछा दरोगा से कि आप जानते हैं कभी देखा है माओवादी हम हैं कोई, उनके कार्यकलाप पे रहे हैं, जनाब बाबू हम नहीं जानते हैं, हम लोगों की कोई स्टेट पुलिस क्या कोई गलती नहीं है, ये सीआरपीएफ वाले सब करते हैं। 1,000 रुपया था वो भी लूट लिया दोनों, हॉस्पिटल में देखा बहुत चोट थी, बहुत चोट थी। तो ये जो दमन का पूरा सिलसिला जो चल रहा है इसके पीछे नंबर 1 एक उद्देश्य तो इनका ये है कि जनता को इतना आतंकित कर दो, इतना भयभीत कर दो, इतना डरा दो कि जमीन देने में आनाकानी न कर सके, और उसके लिए फिर दलाल बिचबलिए वो सब लगाते हैं, पुलिस भी उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है, मंत्री लोग साथ में, IAS IPS भी इन्हीं लोगों के साथ में है, और कुछ लोग माफी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुछ जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भी साम्राज्यवादियों को तो बुला ही रहे हैं, उनकी मदद में है। अब आज के दिन ग्रामीण जनता अपनी इज्जत आबरू अस्मिता संस्कृति सभ्यता भाषा बचावे तो कैसे बचावे, कैसे जिंदा रहे, कैसे अपनी खेती को बचावे। और झारखंड में कोई सरकार में सुनने वाला नहीं है, अभी नगरी का चल रहा है 227 एकड़ जमीन सरकारें लूटना चाहती है, कि नहीं नहीं हम तो ले लिए थे ना, हम तो बहुत पहले खरीद लिए थे, ग्रामीण को पता नहीं है ये पहले खरीद लिए थे, पैसा रख दिया अपने खजाने में। तो ये जो चल रहा है काफी पैमाने पर दमन चल रहा है, लेकिन एक आशा की बात यह है कि जनता तैयार है लड़ने के लिए, जिस तरह से अंग्रेज साम्राज्यवादियों को बाहर भगाया यहाँ की जनता ने, लगता है कि जनता अपने अधिकार को नहीं खोएगी, जल जंगल जमीन को बचाएगी, प्रतिष्ठा को बचाएगी, और जो दुष्कर्म अत्याचार हो रहा है इस अत्याचार का भी जवाब जनता दे रही है, भविष्य में देगी, और अपनी आबरू इज्जत स्मिता भाषा सब कुछ और आजीविका को, खेती है सबसे बड़ा बात है, आजीविका खेती है, तो खेती के जो आजीविका है इसको बचाने में सफल रहेगी जनता, ये हमारी आशा है, हमारा विश्वास है। धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद पंडित दा। मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा शशि भूषण जी से कि वो इस विषय पर बातें रखें। धन्यवाद। मेहताब जी मित्रों, केन पंडित जी के कहने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारी चीजों को समेट लिया है इन्होंने, फिर भी जो 2-4 सवाल हमारे दिमाग में उठ रहे हैं, एक तो हम देखें झारखंड में जो आंदोलन चल रहे हैं उसको ढंग से कैटेगराइज करें तो 3 तरीके के आंदोलन चल रहे हैं। एक तो माओवादियों का आंदोलन चल रहा है जो बड़ा प्रभावी आंदोलन है और सरकार से लेकर के आम जनता का ध्यान काफी बड़े पैमाने पर उस पर है। दूसरा आंदोलन जो यहाँ शुरू से चलता रहा है, जब माओवादी यहाँ नहीं थे तब भी वो आंदोलन यहाँ था, राष्ट्रीयता का आंदोलन। मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं कि झारखंड कई राष्ट्रीयताओं का समूह है और उसमें झारखंडी राष्ट्रीयता इसकी लड़ाई यहाँ के आदिवासी और मूलवासी मिलकर के काफी दिनों से लड़ते रहे।
कई लोगों को भ्रम है कि उसी का परिणाम है कि झारखंड राज्य मिला है, लेकिन झारखंडी अस्मिता की लड़ाई, झारखंडी राष्ट्रीयता की लड़ाई अभी बाकी है। और तीसरी लड़ाइयां कामरेड पंडित जी जैसे लोग लड़ रहे हैं, जो अलग अलग इशू पर, विस्थापन के सवाल पर लड़ रहे हैं, फर्स्ट राइट के सवाल पर लड़ रहे हैं, माइनिंग के इशूज पर लड़ रहे हैं, ये तीसरे तरीके का आंदोलन है। मुझे लगता है कि एक बड़ी गड़बड़ी हो रही है स्टेट से भी और हम लोगों से भी। स्टेट जानबूझ के ये गड़बड़ी कर रही है, षड्यंत्र कर रहा है, और हमसे कंफ्यूजन हो रहा है कि हम तीनों के बीच अंतर संबंध ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। विस्थापन के खिलाफ जो आदमी शिद्दत से लड़ रहा है, चाहे वो नगड़ी की लड़ाई हो, चाहे बोकारो में कहीं की लड़ाई हो, चाहे अभिजीत ग्रुप के खिलाफ लड़ाई हो, स्टेट एक पूरे षड्यंत्र के साथ इसको माओवादी आंदोलन बताने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीयता की लड़ाई जो लोग लड़ते रहे हैं, कुछ लोग कंप्रोमाइज कर लिया, आजसू और जेएमएम कंप्रोमाइज कर लिया, लेकिन जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें क्लैटसन भी है, स्टेट प्रकारांतर से इनको भी माओवादी आंदोलन या माओवादी के साथ जुड़ाव कहके इनको भी खारिज कर रहा है। एक साफ बात नजर आ रही है कि कैसे सारे आंदोलनों को, जो विद इन स्टेट फ्रेम आंदोलन हो रहे हैं, और जो जैसा कि मेहता भाई कहा गया है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट की लड़ाई हो रही है, जनता के डेमोक्रेटिक अधिकारों की लड़ाई हो रही है, जो सिविल राइट या विद इन स्टेट फ्रेम से आगे बढ़ के लड़ाई हो रही है, उन सबको एक तरीके से माओवादी आंदोलन बता करके सरकार अपने तरीके से इनको रिप्रेस करने की कोशिश कर रही है, इनको दमित करने की कोशिश कर रही है, इन पर अपना डंडा चला रही है, और सबको माओवादी बता करके सबके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो डंडा है उसको चला रही है, ताकि जनता हिम्मत करके आगे नहीं बोले। देखिए, सोचने की बात यह है, कई बार ऐसा होता है कि जो ये जो विषय है इस सेशन का, उसमें पुलिस ब्रुटैलिटी की बात है, क्रूरता, कई बार हम क्रूरता का पर्याय हिंसा सिर्फ ले लेते हैं। ऐसा नहीं लेना चाहिए। हिंसा अगर दिशाहीन है तब हो सकता है कि बिल्कुल क्रूरता हो, लेकिन हिंसा अगर दिशायुक्त है तब इसको क्रूरता नहीं कहेंगे। इतने सालों से, मुझे लगता है हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका की बात अगर छोड़ दें, जहां दिखता है कि अहिंसक आंदोलन से हमें कुछ हासिल हुआ है, ये बड़े डिबेट का विषय है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि जनता को जिस तरीके से आप दमित कर रहे हैं, अगर आपके खिलाफ वायलेंट हो रही है तो आप इसको क्रूरता नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपके अभ्यक्त में एक बात आएगी कि ये उसका बेसिक राइट बनता जा रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमारे फर्टाइल लैंड को आप कब्जा करेंगे, हमने तमाम उपाय किए, हम कोर्ट भी गए, वहां से भी हमने, आपने हमको खारिज कर दिया, हमारी फाइल को उठा के आपने फेंक दिया, तब हमारे पास क्या उपाय है उस बाउंड्री को तोड़ने के सिवा, हमारे पास क्या उपाय है अपने हथियारों के साथ आपके खिलाफ खड़े होने का। तो इसमें हिंसा के बारे में जो समझदारी है हमारी, वो अब साफ करने का समय आ गया है। हिंसा अगर दिशायुक्त है, हिंसा अगर प्रो पीपुल है, हिंसा अगर एक बड़े पैमाने पर जनता के पक्ष में खड़ी होने वाली हिंसा है, तो इस हिंसा को क्रूरता हम नहीं कह पाएंगे। मित्रों, हिंसा के और भी कई रूप हैं। हिंसा के दो तीन छोटे छोटे रूप जो माओवादी कर रहे हैं, जो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप कर रहे हैं, या फिर हमारी आपकी पर्सनल लड़ाई में जो हिंसा है, इससे भी एक बड़ी हिंसा है स्टेट की हिंसा। इसको स्ट्रक्चरल वायलेंस कहेंगे, ढांचागत हिंसा कहेंगे। और ये ढांचागत हिंसा जो हमको दिखाई नहीं देती है, वास्तव में सरकारों ने बीच में जितनी गड़बड़ियां की है, अभी बात हो रही है लैंड एक्विजिशन एक्ट, बिना ग्राम सभा की सहमति के आपने लैंड एक्वायर कर लिया, ये भी हिंसा है। जमीन का मामला है, लोग कहेंगे कि भाई सरकार पब्लिक पर्पज से जमीन एक्वायर कर लेगी। पब्लिक पर्पज से आप जमीन एक्वायर कर लीजिएगा तो जमीन के बारे में एक साफ स्पष्ट समझदारी होनी चाहिए कि जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है गांव में, वो गांव की सामूहिक संपत्ति होती है। आजादी के इतने साल बाद भी हम अपने गांव वालों को टॉयलेट फैसिलिटी नहीं दे सके। हमारे गांव की जमीन में हमारी पड़ोस के लोग, स्पेशली महिलाएं, उसका इस्तेमाल करती हैं अपने दैनिक कार्य के लिए। हमारे पड़ोस का पशु वहां चरता है, जिसके दूध का फायदा, जिसके गोबर का फायदा सबको है, जिसके चमड़े का फायदा सबको है।
अगर ये जमीन हम यूनिवर्सिटी के लिए दे देते हैं, अगर ये जमीन हम जिंदल को दे देते हैं, मित्तल को दे देते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये तो तय होना चाहिए कि जमीन जब भी स्थानांतरण होगा, जमीन जब भी मल्टीनेशनल्स को या दूसरी कंपनियों को या सरकार को दी जाएगी, उसमें ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है। जमीन कभी किसी एक व्यक्ति की निजी नहीं है। मित्रों, मुझे लग रहा है कि एक दो साल पहले यहाँ बातचीत की गुंजाइश चली थी माओवादियों के साथ, और दुर्योग से इत्तेफाक ये है कि जो प्रोग्रेसिव सरकारें मानी जाती हैं, जिनमें जेएमएम की सरकार रही बाद में, तो उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीजेपी के एक साथी ने बड़ी कोशिश की थी कि माओवादियों से बातचीत का सिलसिला बनाए, और तब कहीं जंगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माओवादियों ने दो तीन बातें इनके सामने रखी थी। एक तो रखा था कि उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम कभी भी हिंसा की भूमिका में नहीं है, हम प्रतिहिंसा की भूमिका में हैं। ये जो बार बार हमारे दिमाग में अखबारों के मार्फत, पुलिसिया प्रचार के मार्फत या दूसरे सोशल डेमोक्रेट्स जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के शिकार हैं, उनके मार्फत ये समझाया जा रहा है कि माओवादी हिंसक हैं, तो उनका ये कहना था कि हम प्रतिहिंसा की भूमिका में, सरकार अपने कानून के मार्फत इतनी हिंसा करती है।